ये खतरों के खिलाड़ी देखो भाई एक बार तो, अब भी बच्चे भाई अभी, और एक ना बच्चे को भी ले रहे हैं। ये देखो भाई है, ये देखो यहाँ तो भाई हद ही होगी, यहाँ पर तो हद होगी यार। ये देखो यार, ये देखो भाई, मतलब मैं हैरान हूँ यार, इतनी गाय एक साथ इकट्ठी देख कर, और जो सीन देखा यार ऐसे, मतलब सभी बंदों को ना इस तरीके से रोक। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू इंडिया। तो गाइज आज का जो अपना सुनान है भाई, अपना हुआ है इस होदी के ऊपर, और ये अपनी गाड़ी खड़ी, और अभी मॉर्निंग का टाइम तो खैर नहीं, एक बज चुके हैं भाई, और सुबह 6 बजे निकला था मैं महाकाल से। तो बस मैं रास्ते में नहाने का ही देख रहा था, भाई यहाँ मिल गया अपने को नहाने का, तो सोचा कि अब व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, बाकी सब पीछे नॉर्मल था, सब बहुत बढ़िया था भाई। और अभी मैं जो जा रहा हूँ ना भाई, मैं जा रहा हूँ बागेश्वर धाम, और बागेश्वर धाम में देखते हैं भाई, मेरे को खुद नहीं पता आज की वहाँ पर कथा वगैरह है या नहीं है, दरबार लगेगा नहीं लगेगा, कुछ नहीं कह सकते भाई। लेकिन हाँ, अपनी श्रद्धा है कि हम जाएंगे, और दरबार लगा तो दरबार दिखाएंगे, अगर नहीं लगा तो भाई मत्था ज़रूर टेक के आएंगे अपने बागेश्वर धाम पर। और ये मेरे ट्रिप का ना, मतलब जो मेन, एक तो अपनी मेन डेस्टिनेशन तो खैर सारी थी, लेकिन मेरे को ये कन्फर्म था कि मैं यहाँ ज़रूर जाके आऊँगा भाई, और फिर यहाँ से आगे का नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं जाऊँगा। तो फिलहाल मैं खाना खाऊँगा भाई अभी श्री साई होटल, क्योंकि यहीं पर नहाए थे भाई, गाड़ी भी धोने की सोच रहा था, फिर सोचा कि अब एक या दो दिन में मैं वापस अपना होम टाउन, और होम टाउन से फिर मैं निकलूँगा भाई अपना आगे के लिए, बोले तो नॉर्थ ईस्ट वगैरह का ट्रिप करने के लिए। तो वही देख रहे हैं भाई, साथ दे दे बाबा बजरंगबली, तो उन्हीं के दरबार में एक बार हाजिरी लगाने के लिए गए जा रहे भाई। तो चलो खाते भी खाना, हल्का खाना और स्वादिष्ट खाना। गाड़ी की हालत देखो यार, मेरी गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है, मतलब मैंने ड्रोन उड़ाता हूँ, ये देखो यार कितनी चीज ड्रोन उड़ाता हूँ ना, मैं बस यही देखता हूँ यार ड्रोन में कितनी गंदी आ रही होगी मेरी गाड़ी, पर नहीं लग पाया भाई, टाइम नहीं लग पाया मेरे को। लो भाई, आज का मौसम भी मस्त है, सुहाना है, और भाई खाना भी अपना जो है गोल्डन, बोल सकते हैं भाई गोल्डन मोमेंट इस टाइम का अपना, क्योंकि खुले में बैठ के आराम से देख, ये देखो भाई यहाँ खाद डाल रखी है, और सामने अपना ग्रीनरी, मतलब खेत वगैरह की फील आएगी, और भाई गाड़ी खड़ी है अपनी, और यहाँ पर हमने बोल दिया अपना दाल और भाई सेव भाजी और रोटी और भाई छाछ, बस ये चीज़ें बोली खाने के लिए। लो भाई यही ठीक है। ओ भाई लास्ट मोमेंट पे जब खाना मेरा लग गया ना, ये देखो खाना लग गया, और लास्ट मोमेंट पर बारिश स्टार्ट हो गई यार, वरना वहाँ बैठ के और इस लोकेशन के साथ खाना था। चलो कोई बात नहीं भाई, अंदर खाएंगे, बारिश में भीग के तो खाएंगे नहीं। सेव भाजी और भाई रोटी मोटी ज़्यादा है यार, भाई इनको थोड़ा कड़क करवा दो, कड़क करवा दो रोटी। ये अलग अलग क्यों बना दिया आपने? तंदूर की रोटी है। हैं? तंदूर की रोटी है ये। कौन से वाली? छाछ, छाछ। अपना ही खाना भाई मस्त लगता है। बाकी सांभर डोसे की मैं आज भी तारीफ कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा भाई, वहाँ का सांभर डोसा मस्त था। असली बात तो ये भाई, वहाँ पर सांभर डोसा ही मिल रहा था। खाना हो गया, एक ना वो छाछ के ऊपर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया यार, डिस्ट्रीब्यूट तो क्या मतलब लड़ाई नहीं, हल्का सा कि भाई मैंने छाछ मांगा तो आपने दिया नहीं, यही ऐसा कुछ समथिंग, तो नहीं मिला मत मिलने दो, पर खाने में आ गया मज़ा। तो चलो भाई बाकी की जर्नी को करते हैं स्टार्ट अपनी को। तो इस जर्नी पे जो अपना साथ दे रहे भाई, वो अपने
बाबा बजरंग बली दे रहे हैं और इनके चरण स्पर्श करके भाई इन्हीं के धाम पर, मतलब अपने बाबा बजरंग बली, अपने बाबा बजरंग बली के धाम पर भाई, बागेश्वर धाम पर जा रहे भाई। देखो गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री अगर मिलते हैं तो ठीक है, उनकी कथा सुनने को मिलती है ठीक है, नहीं मिलती तो भाई कोई बात नहीं, न कोई नर्वसनेस नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ आना जाना रहेगा। दो तीन जो डेस्टिनेशन है ना मेरी, साउथ जाऊँगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा, अगर मध्य प्रदेश आया तो इस साइड आया तो इधर ज़रूर आऊँगा। मतलब पास से निकल के 100-200 किलोमीटर अगर पास से निकल के जाएंगे ना तो बागेश्वर धाम पर ज़रूर जाके आया करेंगे भाई, अगर वीडियो को ऐसे प्यार नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हो तो, अदरवाइज तो भाई इन्हीं के आते मेरे फिर। ठीक है तो चलो करते हैं इंजॉय भाई अपनी ड्राइवरी का। ये खतरों के खिलाड़ी देखो भाई एक बार तो, अब भी बच्चे भाई अभी, और एक ना बच्चे को भी ले रहे हैं। अरे यार उम्र देखो इनकी, और ये कर क्या रहे हैं, पैर लगा के यार। अरे स्कूटी दूसरी है आप लोगों के पास, एक बोतल में भरवा के ले आओ यार, पैर लगा के चल रहे हैं अभी भी दिख रहे भाई देखो, पर वो पीछे का शीशा साफ नहीं है भाई मेरा। और सबसे ज़्यादा ना यहाँ मेरे को जो देखने को मिली है भाई, मतलब ये चीज़ मैंने पहले भी नोट की है और अभी भी नोट कर रहा हूँ भाई, ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो मेरे को यहाँ देखने को मिली है, तो गड्ढे, चलो कोई बात नहीं गड्ढे तो भाई वहीं रहते हैं। गाय यार इतने सारे कैटल्स हैं यहाँ पर यार, किसने खुले छोड़ रखे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, क्या बात है। मतलब रोड पे यार टोल टैक्स भी तो ले रहे हो, तब प्रशासन कहाँ चला जाता भाई, ध्यान नहीं देते तब है। टोल का तो बड़ा ध्यान रहता है यार, कितने टोल फूके आए हैं अभी है, लेकिन गाय इतनी रहती है अभी, आने दो दिखाता हूँ भाई। और हर पॉइंट पे है, ये नहीं है हर पॉइंट पे है भाई, बाकी बारिश का मौसम हो चुका है, बारिश का मौसम क्या बारिश ही हो चुकी है भाई अब तो फिलहाल तो। लेकिन यार ये जो सबसे चीज गंदी लगी ना अपने को, ये जो केटल्स गाय हैं वगैरह और है कुछ, वो यार ज्यादा सड़कों के ऊपर बैठे, मतलब सिटी में तो ऐसा है कि रोड के ऊपर ही बैठे हैं ये। लो भाई अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये देखो, ये आ गए ना चलते हुए, ये आ गई और अभी सिटी स्टार्ट हुई है, अब देख लेना आप लोग। लो भाई सागर पहुंच गए हम, सागर बोले तो MP में है, और ये अपना जो पीछे हम क्रॉस करके आए भाई भोपाल, भोपाल से होगा करीबन 50-60 किलोमीटर के आसपास जो डिस्टेंस है, हालांकि मैंने सर्च किया नहीं कि कितना डिस्टेंस है, लेकिन जो मेरा अंदाजा जैसे मैंने गाड़ी चलाई है भाई, अब अंदाजे भी तो इतने कंफर्म होने लग गए ना कि हाँ इतना तो डिस्टेंस होगा ही, क्योंकि तो गाड़ी चलाने से पता लग जाता भाई आदमी को। ये देखो भाई बताओ इसके लिए कौन सी रेड लाइट है, हैं कौन से इसको किसने बोला कि खड़ा, ये क्या आमने सामने क्यों करके खड़े भाई, ये इन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ मैं बार बार में। ये जो और ये ना एक्सीडेंट के बहुत कारण है भाई, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, रास्ते में करीबन 4 गाय तो मैंने देखी है, 4 से 5 गाय मैंने खुद देखी भाई एक्सीडेंट में मरी हुई, 4 से 5 गाय। अरे भाई पता नहीं क्या सिस्टम है क्या चीज है यार ये, और कुछ थोड़ा सा रास्ता भी ये मतलब अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी तो रुका हुआ खैर, लेकिन वो तोड़ फोड़ कर रखी है भाई पूरे रोड की तो कोई नहीं, अपना जो डिस्टेंस रह गया भाई वो हम सागर से क्रॉस कर चुके हैं, 170 किलोमीटर ओनली 170 किलोमीटर रह गया, और भाई टाइमिंग जो है ना 4 घंटे लगने वाले अपने को 170 किलोमीटर के, क्योंकि ना रोड कंडीशन गुड नहीं है यार, अच्छी नहीं है रोड कंडीशन तो करके। बारिश और देखो भाई कितनी जोर की स्टार्ट होगी बारिश है, बारिश तो ठीक है यार, लेकिन इसमें ना अगर गाय वगैरह मिल गई ना तो दिक्कत आ जाएगी भाई, क्योंकि इसमें ना आगे सामने कुछ नहीं दिखता और सारी गाय वगैरह ना रोड पे ही बैठी है भाई, कोई खड़ी है और कोई बैठी है, ये सिचुएशन चली हुई है जो कि बड़ी नाजुक सिचुएशन है भाई ये है, और किसी भी टाइम कुछ भी होने का डर रहता है भाई, लेकिन खैर बैठे बाबा बजरंगबली कुछ नहीं होने देंगे अपने को, बट फिर भी यार सेफ्टी सबसे पहले होती है यार है, विश्वास है वो सबसे पहले है। ये देखो मैं जो बता रहा था भाई दिखा, तो ऐसे 6-7
छह सात केस देख लिए भाई मैंने गाय के, जो कि सड़क पे मरी पड़ी है। और वो कोई और रीजन नहीं है, ओनली एक ही रीजन है, बस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से गाड़ी को या बाइक को या इंसान को नुकसान, और खुद गाय वगैरह को नुकसान भाई। तो भाई 2 घंटे खाना खाने के बाद 2 घंटे हो गए क्रैक चलते अपने को, और चारों तरफ की ग्रीनरी और बारिश का मौसम देखो भाई, गाड़ी की हालत देखो भाई, है सड़क की हालत देखो भाई। तो शुक्र है मैंने आज गाड़ी वॉश नहीं कराई। मैं कई बार सोच रहा था गाड़ी वॉश कराने के लिए, नहीं कराई मैंने। तो भाई अभी भी मेरे 150 किलोमीटर के आसपास, 140 किलोमीटर के आसपास अभी भी डिस्टेंस बाकी है, और 3 घंटे लगने वाले भाई अभी भी मेरे को। तो तीसरा या चौथा दिन मैं हैदराबाद से कंटिन्यू चल रहा हूँ भाई, बिल्कुल चौथा दिन भी शायद ऐसे ही जाएगा अपने को बागेश्वर धाम जाने के बाद में, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे भाई सीधा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए यार घर गए, और अपने को ना मतलब बड़ी याद आ रही है भाई सच बताएं तो घर वालों की, तो घर पे निकलना भाई फिर अपने को। खुशी शायद नहीं झलक रही होगी भाई, थोड़ी नर्वसनेस इस चीज़ की है कि मेरा ये 1 या 2 दिन का ट्रिप रह गया लास्ट, और वो ट्रिप मतलब मेरा कंप्लीट हो जाएगा अपना ऑल इंडिया रोड ट्रिप। तो भाई उस चीज़ की खुशी भी है थोड़ी, और थोड़ी नर्वसनेस भी है जिस लाइफ में मैं था फिलहाल, अब उसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मेरे को दुखी चीज़ का यार मैं साउथ छोड़ के आ गया, और साउथ का वो खाना, साउथ का वो पैलेस, वो छोड़ के आ गया यार मैं। तो चलो कोई नहीं, करते भाई आगे चाय की टपरी, देखते भाई चाय की चुस्की लेते हैं। ये देखो भाई है, ये देखो, देख रहे हो भाई मतलब, और यहाँ नहीं आगे भी है यार, ये देखो है। तो जहां तक देखोगे यार गाय 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 गाय, बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी भाई, लग गया मेरे को ये सीन देखकर कि गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी भाई। ये सीन तो देखे देखे मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूँ इनको, क्योंकि यार यहाँ पर ना ये तो जिंदा है यार, मैंने 6-7 मरी हुई देखी है गाय भाई, तो बोल रहा हूँ मैं करके कि भाई थोड़ा सा ध्यान से चलाना अगर इस साइड आओ गाड़ी, रात की ड्राइव में इसलिए इधर की मैं नहीं करूँगा, शायद मैं रात को नहीं ड्राइव करूँगा भाई, मेरे को रात को स्टे करना पड़ेगा इनकी वजह से। अभी भी आपने देखा होगा भाई कितनी गाय निकल गई, और अभी भी चलती ही आ रही है, चलती आ रही है ये भाई। ये सीन देखो भाई, जैसे बाहर कहीं पे बाहर गाड़ी चला रहा हूं ना मैं, हैं इतना प्यारा सीन आया हुआ है ना ये वाला, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह टाइप की जो बड़ी कंट्री होती है ना, जो ब्यूटीफुल कंट्रिया होती है, वैसा सीन लग रहा भाई। दोनों तरफ ग्रीनरी, पेड़, सड़क, और बीच में जो पट्टी है ना व्हाइट व्हाइट वाली, ये मस्त लगा रही है भाई, इसको 4 चांद जो लगा रही है ये लगा रही है भाई, है मजा आ गया देख के। यहाँ तो भाई हद ही होगी, यहाँ पर तो हद होगी यार, ये गाय इतनी सारी गाय, क्या जबरदस्त, क्या मतलब है यार इतनी सारी गाय का, हैं क्या कोई भी नहीं देखता क्या इन चीजों को, देख लो भाई, इसलिए बोल रहा था मैं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं ये, क्योंकि पहले भी हम आए हैं यार रात को ड्राइव की हमने, लेकिन कहीं ना कहीं डर रहता है इन चीजों का यार, हैं और कुछ नहीं है, शांत बैठी यार एकदम लड़ने लग जाए, लड़ते हुए भी काफी बार ये एक्सीडेंट हुए हैं, सुने हैं हमने भी, देखे हैं बकायदा, हमारे सामने भी आए हैं यार लड़ते लड़ते केटल्स। ये देखो भाई मोड़ पे खड़े बिल्कुल, हैं क्या बोल रहे अभी इनके बारे में, आगे वो चल रहे ये खड़े, आगे वो चल रहे भाई ये देख लो। तो यहाँ इतने क्यों है ये समझ नहीं आ रहा यार मेरे को कि यहाँ पर इतने ज्यादा क्यों है, बहुत ज्यादा यार यहाँ तो, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है यहाँ पर है।